हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद पीयूष। दोस्तों, कुछ मुट्ठी भर हमारे लोगों ने ही हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में बांधा था। आज फिर से कुछ मुट्ठी भर हमारे लोग हमारी भारत माँ के टुकड़े करने के नारे लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की। दोस्तों, हमारे मुल्क में खड़े होकर हमारे ही मुल्क के टुकड़े करने के नारे लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा उनको क्या आज़ादी चाहिए। और पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं। भाइयों, अगर ये नारे पाकिस्तान में लगा रहे होते तो उन्हें अच्छे से पता चल जाता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है। भाइयों, आप इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, आपको देश के लिए मिसाल बनना चाहिए था, परंतु आप पॉलिटिकल पावर के चक्कर में आकर देश विरोधी नारे लगा रहे हो। क्या आपके लिए पॉलिटिकल पावर इस देश से बड़ी है? दोस्तों, हम सबको चाहिए आज़ादी भ्रष्टाचार और आतंकवाद से। काश आप लोग भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होते तो सारा देश आपका साथ दे रहा होता, लेकिन आपको तो आज़ादी के नाम पर पॉलिटिक्स करनी है और आप कुछ मुट्ठी भर लोग देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हो। शर्म आती है आप लोगों पे। आप भूल गए कि देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। दोस्तों, आजकल देश का माहौल ही कुछ ऐसा है। देश में ज़्यादातर लोग सिर्फ धर्म, जाति और पैसे के बारे में सोचते हैं, बस यही उनका सब कुछ है। भाइयों, अगर हम नहीं सुधरे, जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब हमारे पास पैसा, धर्म और जाति रह जाएगी और हमारा देश बहुत पीछे। ऐसे माहौल को देखकर मैं विनती करना चाहता हूँ भारत की माताओं से कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वीर सपूतों की कहानियाँ सुनाया करें, ताकि उनमें देशभक्ति का जुनून भर दें। और इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश की माताओं ने अपने बच्चों को देशभक्ति का ज्ञान दिया, तब तब इस पावन धरती पर सपूतों का जन्म हुआ है। दोस्तों, उन सब जवानों को मैं नमन करना चाहूँगा जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। ऐसे लोगों को धन्यवाद। सच में देशभक्ति एक ऐसा जुनून है जिससे हम भ्रष्टाचार और आतंकवाद से लड़ सकते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।